जय श्री राम प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, यह तीन संकेत बताते हैं कि आपके मन की बात भगवान तक पहुंच गई है। प्यारे भक्तों, आप सभी चाहते हो कि हमारे मन की बात भगवान तक शीघ्र पहुंच जाए, लेकिन सबकी बात उस तक नहीं पहुंच पाती, जबकि वो आपके अंदर ही विद्यमान है। देखो, उसकी बात उसी तक पहुंचती है। अब हम आपको कुछ संकेत बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नाम जप करते हो, भजन ध्यान करते हो, तो नाम जप भजन ध्यान करते समय अगर आपका मन एकाग्र हो जाता है, तो ये निश्चित है कि जैसे ही आपका मन एकाग्र होगा, उसी समय आपके मन की बात भगवान तक पहुंच जाएगी। प्यारे भक्तों, अभी आपके मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जब मन एकाग्र हो जाता है तो उस समय तो मन में कोई इच्छा होती ही नहीं है। निसंदेह कोई इच्छा नहीं होती उस वक्त, और उस वक्त कुछ मांगा भी नहीं जाता, लेकिन आपकी जो पहले भावना होती है, जो आपकी पहले इच्छाएं होती है, वो भगवान को पता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तो जो आपके मन में पहले बातें चल रही होती है, वो उस तक पहुंच जाती है एकाग्रचित होते ही। नंबर दूसरा संकेत ये है कि अगर आप सांस रोक कर नाम जप करते हो, तो जितनी देर आपका सांस रुका हुआ होता है, तो उतनी देर आपका मन एकाग्रचित हो जाता है, क्योंकि जब सांस रुकता है तो मन इधर उधर भागता नहीं, उसमें विचार नहीं आते हैं, तो उस समय भी आपके विचार, आपके मन की बात भगवान तक पहुंच जाती है। नंबर तीन, अगर आप अनहद सुनते हो, अनहद मतलब जो कानों से आवाज आती है अलग अलग तरह की, अगर आप उस आवाज को कान बंद करके सुनते हो, या किसी को बगैर कान बंद करे सुनाई देने लगी है और वो निरंतरता से उसको सुनता है, तो सुनते सुनते ऐसी स्थिति आ जाती है अपने आप कि आपकी बात भगवान तक पहुंचने लग जाती है, क्योंकि सुनते सुनते उस आवाज़ के ऊपर ही पूर्णतः ध्यान टिकने लगता है, यानी कि मन एकाग्र होने लगता है। और जब पूर्णतः एकाग्र हो जाएगा उस आवाज़ के ऊपर ही अनद की, तो उस समय आपके मन की आवाज़ भगवान तक निश्चित ही पहुँच जाती है। प्यारे भक्तों, हमने ये तीन संकेत बताए, आप ये तीनों करते रहें, नाम जप करते हो, एकाग्रचित होके करें, करने की कोशिश करें, अपने आप ही एकाग्रचित हो जाएगा अगर आप निरंतरता से नाम जप करते हो। सांस रोकते हो, सांस रोकने का अभ्यास निरंतरता से करते रहो, तो भी आपका मन निश्चित है कि एकाग्र हो जाएगा और भगवान तक आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। अनहद सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, तो आपकी आवाज़ निश्चित ही पहुंच जाएगी। अगर किसी के साथ ये सारे संकेत हैं, नज़र आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो निरंतरता से आप अपनी साधना को जारी रखिएगा, आपके साथ भी अवश्य ही ऐसा होगा। और ये सारे कार्य एक साथ आप कर सकते हो, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, नाम जब भी करना है, सांस रोक कर भी अभ्यास करना है, अनहद भी सुनना है, क्योंकि अगर जो मन उसे सारे एक साथ करेगा, फिर आप समझ ही सकते हो कि तो कुछ कहने ही नहीं है उसके। तो अगर एक भी करता है तब भी ठीक है, जो सारे कर लेगा तो वो तो अति शीघ्र अपनी मंजिल पर निसंदेह पहुंचेगा ही। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसके वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।